जय श्री कृष्ण। कई लोग चिंता करने में ही विश्वास करते हैं, दिन रात उनके चेहरे पर चिंता नजर आती है। यदि चिंता करने से ही सारी समस्याएं खत्म हो जाती तो फिर दूसरा कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं रहती। लेकिन सत्य बात तो यह है कि केवल चिंता करने से कोई समस्या खत्म नहीं होती, चिंतन करने से जरूर समस्याएं कम हो सकती है। और इसलिए आदमी को चाहिए कि हम लोग चिंतन करें, ना कि चिंता। भगवत गीता में इस संदर्भ में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, चिंताम परिमेयांच प्रलयांताम उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एता वदिति निश्चिताः। जिस आदमी के चेहरे पर सदा चिंता बनी रहेगी, जिसका मन सदा चिंताक्रांत रहेगा, वो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ दोस्त प्रवास करने निकले थे, व्यवसाय का निमित्त था, और इसलिए रात को जब एक जगह रुकना पड़ा तो किसी धर्मशाला में उन्होंने रुकना तय किया। वहां पर काम करने वाली जो एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया से प्रार्थना की कि आज की रात हम लोग यहां रुक जाते हैं, हमारे भोजन का प्रबंध कीजिए, उसका जो भी खर्चा होगा हम दे देंगे। बुढ़िया ने कहा, बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है। और उस बुढ़िया ने उनके रुकने का इंतजाम किया, उनके भोजन की व्यवस्था की। तीनों दोस्त रात के समय बहुत अच्छे से भोजन करके सो गए और अगले दिन जल्दी भोर होते ही वो अगले प्रवास के लिए निकल पड़े। अगले दिन जब बुढ़िया जगी और उसने देखा कि पहले दिन मैंने जो खीर परोसी थी, उस खीर के बर्तन में मरी हुई चिपकली थी। बुढ़िया घबराई, उसको लगा कि इन लोगों के खीर के साथ जहर हो गया होगा, हो सकता है अगले दिन ये लोग मर जाए, पता नहीं क्या हुआ होगा। उस बुढ़िया को बड़ी ग्लानि रही। लेकिन 15 दिन बाद वही तीनों दोस्त जब लौट कर आए तो बुढ़िया को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उनका फिर स्वागत किया और कहा, अच्छा हो गया, आप ठीक ठाक आ गए। इन तीनों दोस्तों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों पूछ रही है, हम तो ठीक ठाक ही आने वाले थे। उस बुढ़िया ने कहा, नहीं, बात वो नहीं, आप जब पिछली बार यहां आए थे और रुके थे तब मैंने आप लोगों के लिए खीर बनाई थी और आप लोगों ने उस खीर को प्राशन किया, उस खीर को आपने खाया। लेकिन अगले दिन सुबह जब मैं बर्तन मांजने बैठी तब मुझे पता चला कि बची हुई खीर के नीचे एक चिपकली मरी हुई थी, उस चिपकली का जहर हो सकता है उस खीर में मिल गया होगा। हुआ यूं था कि इन लोगों ने जब खीर खाई तब उसमें कोई चिपकली नहीं गिरी हुई थी, लेकिन रात को वो बर्तन जब खुला रह गया तो एक चिपकली वहां पर आई और वो खीर खाने के चक्कर में वो चिपकली उस बर्तन में गिर गई और मर गई। अगले दिन बुढ़िया को लगा कि पहले से ही उस बर्तन में चिपकली गिरी हुई थी। ये लोग बिल्कुल ठीक ठाक गए थे और ठीक ठाक आए भी थे, लेकिन जैसे ही उन लोगों को पता चला कि जो खीर हमने खाई थी उसमें पहले से चिपकली गिरी हुई थी, उसी समय उन्हें उल्टियां होना आरंभ हो गया। उनमें से दो लोग तो बिल्कुल उनकी हालत ऐसी हो गई कि उनको अस्पताल ले जाना पड़ा, और एक आदमी जो रात को वहां रुका वो रात भर सो नहीं पाया उसी चिंता में कि क्या वो चिपकली ने हमारे पेट में जहर कर दिया होगा। जब चिंता हो जाती है तो ये सारे प्रश्न मन में निर्माण होने लगते हैं और हमारा सुव्यवस्थित जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। मैं देखता हूं कई बार लोग जब अपने काम पे आते हैं तो आते ही ऐसी चिंता लेकर प्रवेश करते हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं। कोई शिक्षक अपने घर की चिंताएं विद्यालय में आने के पश्चात भी वहन करता है, और जब वो कक्षा में जाता है तब उसके चेहरे पर वो चिंता साफ दिखाई देती है। ऐसे चिंताक्रांत चेहरे का शिक्षक देखने के बाद जो छात्र सीखने सामने बैठे हैं उनकी हालत क्या होती होगी। और चिंता करना ये उन लोगों की आदत बन जाती है। हमारे चेहरे की मुस्कान
जो घर की चिंता है वो घर पर छोड़कर काम पे आना चाहिए, और जो काम पर हम लोगों को चिंताएं होती है वो काम छोड़कर जब हम घर जाते हैं तब काम पर ही छोड़कर चली जाना चाहिए। यह हमसे होता नहीं, और ऐसी चिंता लेकर के जो काम करते रहते हैं उनके काम का विनाश होता है। भगवान का यही कहना है, भगवान के इस कहने को हम ठीक से समझे, चिंता से मुक्त रहे, प्रसन्न रहे, आगे बढ़े और विजयी बने। जय श्री कृष्ण।